हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए जो MRFA कंपटीशन है और तेजस मार्क टू के प्रोग्राम है, AMCA के प्रोग्राम है, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वाडन संख्या को मेंटेन करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली MRFA जैसे प्रोग्राम में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को कॉस्ट कर रही है। और जो स्क्वाडन संख्या है वो घटकर 30 के आसपास आ गई है। फ्यूचर में फर्दर रिटायरमेंट भी हैं, जिसमें MiG-29, जैगवार्स और मिराज 2000s को भी रिटायर करना है और तेजस मार्क टू को भी इंडक्ट करना है, जिसकी टाइमलाइन भी कई बार आगे पीछे हुई है। तो जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ कमेंट सेक्शन में ये मेंशन किया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स से बेहतर इस मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स है, क्योंकि वो अपनी तैयारियों को मजबूत रखते हैं और कहीं से भी वो अपनी स्ट्रेंथ को इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले मेंटेन करने में सक्षम हुए हैं। इसके अंतर्गत एग्जांपल दिया जाता है JF-17 ब्लॉक 3 के अच्छे खासे नंबर्स में इंडक्ट करने का, साथ ही साथ J-10 के इंडक्शन का और अब J-31 के इंडक्शन का। तो एक तरीके से रफाल के काउंटर बैलेंसर के रूप में J-10 को ये सर्विस में इंडक्ट कर चुके हैं और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को भी इंडिया से पहले सर्विस में इंडक्ट कर लेंगे। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो प्रोएक्टिवली अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एज रख रही है। इवन अगर आप इनके AWACS के नंबर को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के नंबर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। पर जो रियलिटी है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। तो एरियल वॉरफेयर खाली एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं होता है। आजकल जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी बड़ा रोल प्ले करती हैं और एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह भी आजकल ये काम कर रही हैं। और अगर आप रशिया यूक्रेन की वॉर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो देखने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर्स हैं, चाहे फाइटर प्लेटफॉर्म की बात करें, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात करें, पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आज जो पाकिस्तान द्वारा मॉक किया जाता है कि हमारे जो तेजस के प्रोग्राम हैं, तेजस मार्क टू और AMCA के प्रोग्राम हैं, जेट इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, AWACS के प्रोग्राम हैं, यहाँ पर जो डिले हो रही है वो इंडियन एयरफोर्स को कॉस्ट कर रही है। पर आने वाले एक दशक में जो इंडियन एयरफोर्स होगी वो सेल्फ सस्टेन्ड होगी। और अगर वॉर लंबी भी चल रही है तब भी आपको नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो तो हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमारी खुद की है, जिसमें आकाश और MRSAM एग्जिस्ट करती हैं। बाकी S-400 हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर उसका अल्टरनेटिव भी हम इंडिया में बना रहे हैं, जिसे प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास जो F-16s हैं, जो कि MRAM को यूज़ करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए, वो खुद काफ़ी लिमिटेड नंबर में है। और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स ज़्यादातर वेस्ट ही जाती हैं, और एक बार इनका ये स्टॉक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद गारंटी नहीं है कि US इनको रिसप्लाई करेगा या नहीं करेगा। JF-17 की बात कर लें तो JF-17 के केस में, जैसे कि हम जानते हैं, मोस्टली ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में असेंबल होता है, कुछ कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, तो मेजर कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। और अगर चाइना इनको कंपोनेंट सप्लाई कर भी दे तो जो जेट इंजन है वो रशिया सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी गारंटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिया के केस में तेजस की बात करें तो मैक्सिमम हम इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में ही बनाते हैं, हम भी जेट इंजन को इम्पोर्ट ही करते हैं, पर हमारे यहाँ प्लान चल रहे हैं इंडिजिनसली जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं। आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में ये हमारे पास होगा। तेजस मार्क टू के केस में हम आज से ही इन इंजन्स को, जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। सेम चीज़ AMCA के साथ भी रहेगी। तो जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई मामलों में हमें अभी सक्सेस मिली है, कई मामलों में 10 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा केस नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो टर्की की तरफ चले जा रहे हैं। इवन इनके जो इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी इम्पोर्टेड हैं, यानी कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको OEM के पास ही जाना पड़ेगा। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, कम से कम एयर डिफेंस के मामले में हम आज से ही सेल्फ रिलायंट हैं। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर से हमने ये चीज़ सीखी है कि कंटिन्यूस वेपन्स सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो तभी हो सकती है अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो और आपके जो एलाइज हैं वो आपके साथ खड़े हों, या फिर आप सेल्फ सफिशिएंट हो। रशिया सेल्फ सफिशिएंट है, वहीं पर यूक्रेन के अंदर जो हथियार हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान किसी तरीके से लोन वगैरह के माध्यम से अपने नंबर्स को सस्टेन तो कर पा रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन करने लायक ये नहीं है। तो ड्यूअल अप्रोच यहाँ पर ज़रूरी होती है, यानी कि आपको नंबर्स को सस्टेन करने ही हैं, साथ ही साथ आपको अच्छे खासे फंड को लगाना है ताकि फ्यूचर में आप इन नंबर्स को लेकर सस्टेन कर पाएँ। और वो तभी हो सकेगा
अगर मैक्सिमम कंपोनेंट्स आप अपनी कंट्री में ही बनाएं। तो इंडिया के केस में जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं वो इस चीज़ को लेकर करते हैं कि हमारे जो इंडिजनाइजेशन एफर्ट हैं वो तो ट्रैक पर हैं, पर जो नंबर हमें मेंटेन करने हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान का केस यहाँ पर बिल्कुल उलट है, वो नंबर्स तो मेंटेन कर पा रहे हैं पर इंडिजनाइजेशन एफर्ट जो है वो उनके ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो आने वाले एक दशक में चीज़ें पलट जाएंगी, पाकिस्तान लंबी वॉर सस्टेन नहीं कर सकता है। तो अभी जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इन नंबर्स को देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।